हालेलुया हालेलुया। आइए अपने दिलों को झुका दे खुदावन के लिए, सोचों को, ख्यालों को, अपने आप को खुदावन के कदमों में ले आएंगे। हालेलुया। खुदावन भला खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, वो जो अपने वादों में सच्चा खुदा है, उसके वादे हाँ के साथ कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। वो जिंदा है, खालिक है, मालिक है। हालेलुया। चट्टान है, छिपने की जगह है, ऊंचा बुर्ज है, महत्व किला है। हालेलुया। पनाहगाह है, हालेलुया। हमारा फख्र है, हमारी निजात है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जगह को ए खुदावंद तेरे फरिश्तों के लीजियंस को यहां पर मांग लेते हैं। इस जगह को यीशु के लहू में छुपा देते हैं। And we feel the fire of the Holy Spirit in this place in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise hallelujah. 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 शुक्र हो, शुक्र हो खुदावंद तेरा शुक्र हो, शुक्र हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं खुदावंद के लिए, अपने होठों को खोलना शुरू करें, पुकारना शुरू करें। खुदावंद भला खुदा, हमें बरकत देने के लिए हमारे दरमियान में आए। Such a privilege to be in his presence. Such a privilege to come and bow down. Such a privilege to kiss his feet. Hallelujah. Such a privilege to be with the king. Hallelujah. बादशाह के साथ रफाकत कैसा privilege है। Hallelujah. 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 आसमान जमीन पर उतर आएगा आज। आसमान जमीन पर उतर आएगा, तेरा में भी एक राम बन जाएगा। खुदावन के रूह को वेलकम करें। That cloud of the Holy Spirit, hallelujah, जिसमें से रूह की बारिश हो रही है। हालेलुया। आग के शोला किसी फटती हुई ज़बाने, हालेलुया, उन पर आग का ठहर गई और वो गैर ज़बाने बोले, नबूवत करने लगे। हालेलुया। रब अल्लाह नबूवतें करने लगे। खुदावन का कलाम कहते हैं कि मैं हर फरते बशर पर अपने रूह में से उठे लूंगा। नौजवानों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सब पर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज हालेलुया। खुदावंत का शुक्र हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू। आप लोग को बुलाएं। हालेलुया। वेलकम करें अपने लाइफ। जाएगा सहरा में भी
Hallelujah.
जिसको खुदा का रूप दिलेरी दे वो शुक्रगुजारी करे। प्रेज शुक्रगुजारी करें। हालेलुया खुदा मंदिर चंदी तरह तो मेरी कार सफाई चंदी कर दू पासा
Thank you.
हमारे दिलों को खुशी से भरती है। कौन कौन खुश है? हालेलुया, खुश है, हम खुश हैं। हालेलुया, खुदा की बादशाह ही हमारे दरमियान। हालेलुया, प्रेज़ अल्लाह। एक और गीत गाएंगे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा हसीना है। आंखें अपनी उठा कर तो दे, ऐसी शान से हसीना। हालेलुया, कलाम में लिखा है कि दरबाज अपने सर बुलंद कर रहा है, क्योंकि जलाल का बादशाह।
हमारे दरमियान में हमारे लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, अपने दिलों को झुका दे खुदावंद, झुका दे। Let's bow down. Let's submit. Time to be blessed. Time to put your prayer request. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Holy Spirit, you are here. Your power is here, my Lord. Your presence is here. Your grace is here, my Lord Jesus. Oh Lord, my God, khuda tera kalam hai, muqaddas ye farmanda hai. और जिस तरह खुदा उन यीशु से ने कहा, जिस तरह बाप ने मुझे दिया मैं तुम्हें देता हूं, ये कहकर उन पर थूका। हालेलुया। और ये कहकर उन पर थूका, कहा लॉर्ड यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू ड्रैगन का फ्रॉम द रिन्यू योर माइंड एंड ओपन योर स्पिरिट। हालेलुया। टू रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड इन जीसस नेम। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा का रूह तेरे अंदर आता है तो तू खुदा की तहकीकातें जानना शुरू करता है, तू नबूवत करना शुरू करता है, तू आने वाली बातों के बारे में बताना शुरू कर देता है। This is the power of Holy Spirit and the power of Holy Spirit God granted for you. तेरे लिए खुदा खुदा ने इस कुवत के लिए दुआ की। अरे बाप, कहा कि मैं जाता हूँ और अपने बाप से दरखास्त करूँ कि तुम्हें एक दूसरा मददगार दे, और वो दूसरा मददगार तेरे अंदर अब और इस वक्त जो तेरे साथ मिलकर आए बरबर कर, आए बरबर कर, तेरे साथ मिलकर दुआ कर, मांगे आज खुदा से मांगे, बाप फिर भी विदेश मिलर उस नेमत से, उस तोहफे से जो तूने मेरे लिए रखी है, खुदा वाले तुझे हर एक जवान की गिरा यीशु के नाम से खुल जाए, इस नाम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तू कैसे तुम्हारा बोलना शुरू करे, इस बोले नहीं करो प्रार्थना बोलो, तेरा बंदा टूटना शुरू करे इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाहर उस रूट उस के वसीले से जाते रहे सुमेश रहे तेरे जिंदगी से एक मनारे साथ में प्रभु का सारा आइए अपने कदमों पर खड़े हम जीसस ने और हर एक लम्हे हर एक लम्हे तेरे पाखरू के वसीला से खुदा तेरे बेटों और बेटियों के अंदर खुदा इनके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज द कैपेसिटी, इनके अंदर इनके माइंड खुल जाए खुदा, सोचे ख्याल और बातें खुदा तेरे पाक कंट्रोल में लेता हूँ, और सारी तरीके की न पाक कुंतों को जो ख्याल और बातों को मंशा करती है यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। ना सोप्रला प्रसिशन सोप्रला को आला जोरी तापना सा तेरे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु, तेरा शुक्र अदा करते हैं यस लॉर्ड जीसस, तेरे पाखरू से ये भरना चाहते हैं, हालेलुया, तेरे पाखरू में ये चलना शुरू करना चाहते हैं, हालेलुया, तेरे पाखरू के वसीले से ये गाना चाहते हैं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे प्रार्थनाओं को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, जो रूह और सच्चाई से सिर्फ प्रत्यक्षी नहीं, जो रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं, जो रूह और सच्चाई से कलाम भी सुनाते हैं, जो रूह और सच्चाई से लोगों को तसल्ली, हालेलुया, अपने दम खोले Jesus Christ,
Yes, you can. As I hear, yes, you can.
تیرا
रसूल पर बरकत दे, अरे खुदा दाऊद की बरकत दे, यूसुफ वाली बरकत दे, दानियल वाली बरकत दे, लीड करने के लिए, लीड करने के लिए आई डिक्लेयर आई डिक्लेयर विजडम आई डिक्लेयर एनॉइंटिंग आई डिक्लेयर नॉलेज इन योर लाइफ आई डिक्लेयर सील ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आई डिक्लेयर सील फॉर द फेथ इन योर लाइफ यस लॉर्ड जीसस हालेलुया Hallelujah. From every stronghold, you break every stronghold that is against you, your husband, and your household in the name of Jesus. Name of Jesus. Lord, take all the worries away. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन आपके लिए ऐसी खुशियां और आपके सर पर ताज जो है खुदावन रखना चाहते हैं यीशु के नाम में एंड ही हैज सीन योर अटैचमेंट विद हिज हाउस हालेलुया आप अपने आप को खुदा के घर से आपने जोड़ा है एंड नाउ यू विल स्टार्ट रिसीविंग ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया नो मोर सरप्राइजेस नो मोर सडन अटैक्स इन द नेम ऑफ जीसस रिब्यूक एंड रिमूव सैटन्स प्लान दैट इज अगेंस्ट योर ऑफस्प्रिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट We breathe joy in your lives in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Feel the power. Feel the power of the Lord resting upon us in the name of Jesus. Yes, Sukhaname. Yes, Sukhaname. Yes, Sukhaname. Yes, new doors are opening. New doors are opening. Hallelujah. 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 I can see a blue door. I can see a blue door for you. Hallelujah. 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 New door for you. Hallelujah. It's going to bring new blessings in your life. Hallelujah. It's going to be a dwelling of peace. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Lord is saying that you will be sheltering under peace and joy and comfort, and there will be indwelling of the Holy Spirit in your house. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Bless the works of these hands. Hallelujah. New things coming in Jesus' name. New start. Hallelujah. Dark clouds are going in Jesus Christ. Light is coming in the name of Jesus Christ. That dark cloud is consumed in the fire. Hallelujah. It is consumed by the golden cloud. The golden cloud. Yes, sir. Golden cloud. Hallelujah. Hallelujah. Ruka dhua, the golden cloud hai. Usne dark cloud ko consume. Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. Be a wise counselor in the name of Jesus.
I release anointing of a wise counselor upon you in the name of Jesus. Be a counselor. Be a counselor. Hallelujah. Counsel other people with who are in trouble. Hallelujah. Who seek counsel in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Wow. The power of God is here. The fire of God is here. Ramos. लेकिन ये तेरा तरस है, ये तेरा फजल है खुदाम, जो तूने अपने बेटों और बेटियों पर किया, और ऐ खुदाम जो कुछ भी तेरे नाम से मांगा गया है, ऐ खुदाम खुदा जिस तरह यीशु मसीह ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर ये कहा कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि तूने मेरी सुन ली है, और जो कुछ मांगा तूने सुन लिया है। ये बच्चे बहाल होते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस का न्यूनेस इज कमिंग इन देयर लाइफ इन द नेम ऑफ दे रिसीव द स्ट्रेंथ एंड द पावर इन देयर बोन्स एंड देयर मसल्स इन द टिश्यूज एंड ऑल द मैरो ऑफ द बोन वी रिसीव द स्ट्रेंथ एंड द पावर वी गिव अ वंडरफुल थैंक्स टू द लॉर्ड गॉड। खुदावन अब तेरे बंदे को तेरे पाक हाथों में देता हूँ, खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से कसरत से तेरा कलाम बारिश की मानन नाजल हो, इन जीसस नेम वी आस्क एंड से आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप खुश हैं? Praise the Lord. Hallelujah. लूका के इंजील में देखेंगे, और उसके आखिरी चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर 24 एंड वर्स 47। लूक चैप्टर 24 वर्स 47 ऑनवर्ड्स लिखेंगे, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। हालेलुया। यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी यीशु के नाम से की जाएगी, और तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप दादा ने मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। हालेलुया। जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुवत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। कौन सा लिबास? कुवत का, कुवत का लिबास, कुवत का लिबास। मेरे साथ एक और हवाला देखें, मुकाशवा की किताबों का रेवलेशन प्रकाशित वाक्य प्रकाश दीपोथी उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 5 चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है कि जो गालिब आए उसे उसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात के इतिहास से हर गिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। इसी तरह चैप्टर 7 में देखें और उसकी वर्स 14 में इसी चैप्टर इसी बुक के, मैंने उसे कहा कि मेरे खुदावन तू ही जानता है, उसने मुझसे कहा कि ये वो ही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए। यहां पर दो लिबासों का जिक्र है, एक वो लिबास है जो सफेद पोशाक है, व्हाइट गार्मेंट्स, व्हाइट गार्मेंट्स जो है वो दुल्हन को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाइट गार्मेंट्स हम में से जितनों की शादी हुई है जब आपने चर्च में रिसीव किया था अपनी ब्राइड को तो वो किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? व्हाइट गार्मेंट्स। व्हाइट गार्मेंट्स जो है वो खुदा की बादशाही दुल्हन और दुल्हन की तैयारी का निशान है, लेकिन हमें खुदा ने सिर्फ एक गारमेंट नहीं दिया। व्हाइट गारमेंट हमारी पहचान है, वो हमारा अथॉरिटी है, हमारा इख्तियार है जो हमें दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी इख्तियार वाला यीशु हमें खुदा ने दिया। मैंने आपको कुछ वीक पहले ये बताया था कि सारा कुछ यीशु के पैरों के नीचे कर दिया और यीशु हमें दे दिया ताकि कलीसिया जाहिर करे उस इख्तियार, लेकिन उस व्हाइट गारमेंट के ऊपर
उस इख्तियार वाले लिबास के ऊपर, उस ईमानदार की वर्दी के ऊपर, उस ईमानदार की पहचान के ऊपर। क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि वी आर वेयरिंग दोज गारमेंट्स जो खुदावन ने हमें दिए हैं, और हम दुल्हन हैं और हमें इसकी हिफाजत भी करनी है। इसमें धब्बा झुरी और उसमें जो है वो मोरिया सुराख नहीं होने चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट गारमेंट जो खुदा ने हमें दिया। दैट इज व्हाई वी आर सेट अपार्ट। खुदावन ने कहा था कि मेरी कलीसिया जो है वो अलहदा है दुनिया से। दुनिया में जाएंगे तो उस पोशाक पेपर जो है वो दाग धब्बे लगने शुरू हो जाएंगे, उस पर लानत आ जाएगी, उस पर चीजें होगी। लेकिन यीशु ने यही कहा था कि मुबारक है वो जो अपनी पोशाक की हिफाजत करे। मेरे साथ एक मुकाश रसूल बाद में लिखा हुआ उसकी 15वीं है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखे। आदम और हवा को एक गारमेंट दिया गया था, जलाल का लिबास उनके पास था। They were not wearing these cloths, जो ये आम कपड़े से बने हुए सूती से या रेशमी से या जो भी, उनको एक जलाल घेरे हुआ था। बाइबल में लिखा है कि वो तो नंगे थे लेकिन शर्माते क्यों नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक गारमेंट था वो खास किस्म का था, एंड दैट वाज लाइट जो कि उनके गिर्द उन्होंने पहनी हुई थी। नोबडी कुड सी देयर बॉडी पार्ट्स, लेकिन यह था कि वो लिबास उनके पास था। लेकिन उन्होंने हिफाजत नहीं की, उन्होंने हिफाजत नहीं की और लिखा है कि उनका नंगापन जाहिर हो गया। लेकिन मुबारक है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। और जागने का नुस्खा क्या होता है, खुदा ने क्या कहा था कि जागो और दुआ करो। सादा नहीं जाग रहा है रात में बैठ के जाग रहे हैं तो नाल गप्पा मारी जाएगा और भाई बैठो बारबेक्यू करेंगे, नहीं जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि आजमाइश गुनाह बदी ये आपकी पोशाक को जो है वो डैमेज कर देंगी। लेकिन इस पोशाक की हिफाजत जागने के लिए खुदा ने हमें एक मददगार दिया है जिसका जिक्र हमने अभी पढ़ा। लूका की इंजील के एंड पे लिखा है कि जब तक आलमे बाला से तुमको कुवत का लिबास ना मिले, कुवत का लिबास एक वो है जो अंदर गारमेंट वाइट पहना हुआ। आपको पता है पुराने अहद में काहिनों के मुख्तलिफ लिबास होते थे मुख्तलिफ ड्यूटीज के लिए, और हमें भी खुदावन ने मुख्तलिफ लिबास दिए हैं। क्लिसिया जो है वो मोनोटनस नहीं है। क्लिसिया का काम सिर्फ ये नहीं है कि अथे आके दुआ कर ली, अथे आके थोड़ी सी गीत गा ले मजे कर। क्लिसिया का काम है कि वो खुदावन की मनाती को लेकर दुनिया के इंतहा तक चले जाए। हालेलुया। जैसे यहां पर लिखे कि तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे यरूशलेम से शुरू कर सब कौमों में तौबा की गुनाहों की माफी। क्लिसिया का काम है कि उस रिप्रेजेंटेशन को शो करे। क्लिसिया का काम है गालिब आए। क्लिसिया का काम है उस जंग में इन्वॉल्व हो जाए जो हमारे खिलाफ है। अगर हम फिजिकल लेवल पे आपके बच्चे को टच करे हैं तो आपके सबकी ला दे बच्चे लोग, आप क्या करेंगे अपने बच्चे के डिफेंड के लिए? आप खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये क्या भाई तो मेरे बच्चे को छू के तो दिखा, मैं जो इसको उस बंदे के खिलाफ अब खड़े होंगे, उसके खिलाफ जंग करेंगे। सेम वे खुदावंद चाहता है कि कलीसिया का ये एटीट्यूड हो। ये कुवत का लिबास क्या है, ये कुवत का लिबास क्या है? सबसे पहली तो बात यह है कि जो तीन चीजें हमने पढ़ी लिखे कि बाप ने वादा किया हुआ है। बाप ने क्या किया हुआ है? वादा किया हुआ है। तो वादा किन के साथ किया हुआ है? सबके साथ किया हुआ। ये नहीं सोचना कि ये रूल कुदस का कुवत का लिबास सिर्फ 12 रसूलों को मिला। बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं, बहुत सारे कलीसियाएं सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं ये सिर्फ पहली सदी में था। मेरे चीजों मेरे साथ अगर आप देखें मैं आपको लेके जाता हूं योएल नबी की किताब में। योएल नबी की किताब और उसका 28 दूसरा बाब और 28वीं आयत चैप्टर 2 वर्स 28 लिखा है कि उसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। हर फर्दे बशर पर, इंग्लिश में क्या लिखा है कि एवरी लिविंग बीइंग एवरी सोल जो कि खुदावन के उसके ऊपर वो रूह नाजिल करना चाहता है। व्हाई? बिकॉज ही नोज दैट He is, you should know that he is interested in you. You should also know, being sons and daughters of God, we come against the world that is full of darkness and the armies of the demonic forces. और शैतान के हम उनके खिलाफ खड़े हैं। और बाइबल हमें बताती है कि खून और गोश से हमारी कुश्ती नहीं
नहीं है बल्कि रूहानी फौजों से। प्रॉब्लम क्या है कि कलीसिया कहती है साड़ी कुश्ती ही नहीं है, ये नहीं कह रहा कि खून कुश्ती नहीं है, वो कह रहा है खून और कोष से कुश्ती नहीं। मीन्स के एल्डर साहब जिया भाई के खिलाफ बात ना करे, मैं एल्डर साहब को बुरा ना कहा, कोई दूसरे को भेड़ा ना कहे, गाला ना कटो, बीवी पे जुल्म ना करो, बीवी अपने शौहर के साथ साथ जो है वो बदतमीजी ना करे, माँ बाप अपने बच्चों पर रहम करे, उनको सिखाए, बच्चे जो है वो आगे से माँ बाप की रिबेलियस ना हो, ये खून और गोश्त की कुश्ती है। When we fight against flesh, but we are not supposed to fight against flesh, but we are supposed to fight. Hallelujah. You must understand, we are supposed to fight, but not against flesh, not against our own brother or sister, not against any human being. क्योंकि ये खुदा की बादशाह की जंग जो है वो जंग जो है वो जिस्मानी नहीं है, लेकिन we are supposed to fight. We are supposed to fight against every demonic force that is going to stand against. लेकिन problem क्या है कि रूह को मुक्का नहीं मारा जा सकता। कोई रूह ने मुक्का मार सकता, चंड मार सकता, रूह के बाजू पकड़ सकते, बाजू में रोड़ सकते, नहीं। रूह के साथ जंग करनी है बुरी के साथ, तो आपको एक अच्छी रूह चाहिए। हालेलुया। और वो अच्छी रूह है खुदावंद का पाक रूह। हालेलुया। तो अगर इबलीस का काम सिर्फ 12 सूरों तक था और पहली सदी तक था, फर्स्ट सेंचुरी में था, तो खुदा का रूह भी फिर पहली सदी में था। लेकिन प्रॉब्लम है इसके इबलीस का काम और बढ़ गया। आखिरी जमाने में तो बाइबल में लिखा है कि अबलीस और ज्यादा गुस्से से तुम्हारे पास है। अबलीस और ज्यादा गुस्से से है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका टाइम अब थोड़ा रह गया है। He knows that his time is limited. और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहन्नुम में ले ले। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम देख भी रहे। दुनिया में आप देखें कि किस तरीके से लोग जो है they are getting caught, they are getting under bondage, और वे सब कुछ हो रहा है। लेकिन खुदावन ने कहा है कि वो हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करेगा, हर फर्दे बशर पर। और अगर हम 23 वर्स में पढ़ें, व्हाट हैपेंड 2000 इयर्स अगो व्हेन 12 डिसाइपल्स एंड 120 की जमात वहां पर थी, लिखा है कि क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। मींस के फर्स्ट रेन विल कम स्मॉलर, उसका छोटा वर्जन होगा। 120 की जमात पे हो रहा है, फिर 3-4 हजार लोगों ने रिसीव कर लिया। लेकिन लिखा है कि वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। पहली बारिश भी होनी है तो फिर दूसरी बारिश भी होनी, आखिरी बारिश भी होनी। और ये आखिरी बारिश कौन सी है? ये रूह की बारिश है, वो रूह की बारिश है। और होशिया की किताब में एक बुक पीछे चले जाए, चैप्टर 6:3 में देखें, लिखा है कि आओ हम दरियाफ्त करें, खुदावंत के इरफान में तरक्की करें, उसका जहूर सुबह की मानन यकीनी है। मीन्स के ही विल कम, जैसे सुबह हमें यकीन होता है कि सुबह आनी है। किसी को ये तो नहीं होता कि आज सूरज पता निकलना है, लेकिन निकलना आज सूरज उगना कि नहीं, नहीं। लिखा है कि जैसे इसका यकीन है खुदावंत जरूर आएगा, वो हमारे पास बरसात की मानन यानी आखिरी बरसात की मानन जो जमीन को सिराब करती है आएगा। रूह की बारिश हो रही है मेरे जिलों। प्रॉब्लम इज के वी आर नॉट रिसीविंग, हम रिसीव नहीं कर रहे, हम उसको नहीं ले रहे। उसका रीजन यह है कि वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट वॉरफेयर। बट द थिंग इज, इफ यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट वॉरफेयर, दैट डज मीन दैट यू विल नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन द वॉरफेयर। मेरी बात की समझ है? अगर आप जंग नहीं करना चाहते, इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्वॉल्व नहीं है, वो तो रगड़ी रहेगा। मसला यह कि हम रिटेलिएट नहीं कर रहे, यही बात है ना। अबलीस तो अपना काम जारी किए हुए, अबलीस ने तो ये नहीं देखना कि जी आप जो है वो उसको छेड़ते नहीं है तो वो आपको नहीं छेड़ेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं असी शैतान नूं तंग करेंगे, उसा नूं तंग करेगा। आपने कब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया शैतान के साथ? आपने बीमारी के साथ कब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? आपने जो है अबलीस के हथकंडों के खिलाफ कब ये सिग्नेचर किए कि ना तुसी सानूं छेड़ना ना असी तुहानूं छेड़ांगे, ना तुसी साडे मत्थे लगो ना असी तुहाडे मत्थे, तुसी साडे घर आना असी तुहाडे घर आना, ऐसे तो नहीं है। बाइबल में लिखे कि वो आता है चोरी करने के लिए, मार डालने के लिए, डाका डालने के लिए। बिल्ली कबूतर रखा बंद कर ले तो बिल्ली चली तो नहीं ना जाती, बिल्ली तो उठी, कबूतर को लग रहा होता है कि बिल्ली चली गई है। आंखें बंद करेंगे, मुंह मोड़ेंगे तो अबलीस को और ज्यादा चांस मिलेगा कि आपको फिर मारेगा, फुटबॉल बना लेगा, आपको टुड्डे मारेगा, कभी अदर लेके जाएंगे। लेकिन जब खुदा के रूह के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। माय ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे बहनों भाई, आम दुआ में और रूह में दुआ में बड़ा फर्क है। हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं हम अकल के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो दुआ रूह के साथ होती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो दुआ रूह के साथ होती है वो फर्क है। द
दाऊद बादशाह उस पत्थर से हो सकता है चिड़िया मारता हो, लेकिन जिस दिन खुदावन का रूस पर नाजिल हुआ उसने पत्थर को मारना शुरू किया, दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स ही वाज फीलिंग इन हिज हैंड। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब उसने पत्थर को छोड़ा और इतना बड़ा जो है वो जाति जूलियत वहां पर खड़ा था उसके माथे के अंदर से घुस गया पत्थर। हालेलुया। उसने जाइंट को मार गिराया। आप ऐसे कौन है पत्थर मार के किसी ने मत्थे इशारा कर अंदर पत्थर घुस जाए। बाइबल कहती है कि व्हेन यू आर लेड बाय द स्पिरिट, हालेलुया, फतह से बढ़कर गलबा आपको मिलेगा, हमें मिलेगा, देन नथिंग विल ओवरकम अगेंस्ट अस, क्योंकि हमारा मैंडेट ये है कि कलीसिया के खिलाफ आलमी अरवा की कुवतें गालिब नहीं आएंगी, नहीं आ सकती। पहली बात यह है कि बाप ने इसका वादा किया है, तो बाप झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? खुदा झूठ बोलता है? वादा किए किसके साथ किया है? आपके साथ। इतने लाभ कौन है? बाप ने तो वादा किया है, तो कसूर के दाय। आपको पता है कुछ लोग अगर आप ना स्विमिंग पूल पे जाएं तो तरह तरह के आपको स्विमर्स मिलेंगे, कुछ लोग जिन्होंने स्विमिंग आंदी नहीं, कुछ लोग जेड़े ना हो जाते ने सिर्फ पैर है जिन्हें उठा थोड़ा जा टच करें पानी बड़ा है जोन भाई आप जाते हैं कोई पानी बहुत ठंडा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चलो पिंगियां तो सी जड़ियां ना बिलियां करके उस स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे, पांव बीच में ला रहे होते हैं, साथ साथ बातें कर रहे थे, थोड़ा चूल्हे माइया कर रहे थे पांव ला। कुछ लोग होते हैं वो सीढ़ियां फट फट के अंदर जाके बस बैठ जाते हैं, कहते हैं चलो बस बैठे, स्विमिंग तो आती नहीं है लेकिन चलो मजा तो आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जाते हैं जिनको मजा आता, वो कहते हैं जब आप देखें कि वो हेड फर्स्ट डाइव करते थे, हाँ वो जानते ही जहाँ पे मार देते थे जाते ही ऐसे, कुछ लोग तो ऐने यानी कि एक्साइटेड होते हैं स्विमिंग पूल को देखे, वो ऊपर वो जो बार सी बनी तो उस पर चढ़ के उधर तो जंप मारते कि सही जरा स्प्लैश है। हम हमें बताना चाहिए कि हम में से बहुत सारे लोग पाकरू के वाले से ऐसे एटीट्यूड रखते हैं। सम पीपल आर सो स्केर्ड दे डोंट वांट टू ट्राई। उसका रीजन ये है कि वो गैर जबाने बोल रहे हैं, बंदा जोर जोर से बोलो बंदे डर जाए, कहते यार मेरे साथ ऐसा ना हो। कुछ लोग जो है वो परेशानी के वो कहते यार पता नहीं पाकरू को हैंडल में कर सकूंगा। कुछ लोग सेल्फ उसमें सेल्फ जजमेंट में होते हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं यार मैं तो बहुत ही नापाक हूं, मेरे तो पाकरू क्यों आने, सबको मिल सकता मुझे नहीं मिल सकता। कुछ लोग फियर में उसको रिसीव नहीं करते, कुछ लोग लैक ऑफ नॉलेज में उसको रिसीव नहीं करते, कुछ लोग जो है वो पानी में जंप ही नहीं करना चाहते, कुछ लोग सिर्फ अंगूठा पाक के लोग बड़ा ठंडा पानी मैं नहीं जाना। लेकिन खुदावंद का रूह अवेलेबल है, इट्स अवेलेबल फॉर यू एंड इट्स अवेलेबल इन द फुलनेस ऑफ गॉड्स प्रॉमिस। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि वो नाप नाप कर तोल तोल कर नहीं देता, वो अपना रूह नाप नाप कर नहीं देता, ही वांट्स टू ब्लेस यू विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। पर देना चाहता है तानू, लेकिन मसला ये है कि हम जो है वो रिसीव नहीं करना चाहते। सो ये है कि वादा उसने किया है और उसने नाजिल भी किया है। और तीसरी ये है कि आलमे बाला से वो आता है। हालेलुया। आलमे बाला से आएगा। पादरी ज़िया और पादरी तसीन अगर कहना मैं ताड़े के पाक रूप पर ना चाहना, वी विल बी लाइंग, हम झूठ बोल रहे होंगे। Nobody can give you Holy Spirit apart from Jesus Christ and God. Hallelujah. पानी में बपतिस्मा खादम देता है। इंसान है वो आपको पानी में बपतिस्मा देगा और मोड ऑफ बैप्टिज्म इज वाटर एंड द ह्यूमन पास्टर और जो बिशप है या अपोस्टल है वो आपको एवेंजलिस्ट है वो आपको पानी में डिप करेगा, लेकिन रूह का बपतिस्मा यीशु देता है। Hallelujah. कोई इंसान नहीं देगा आपको, वो रूह के अंदर आपको डिप कर देगा। Hallelujah. सर से पांव तक, लेकिन मांगना है जो है वो, क्योंकि वो आसमान से आएगा। और तीसरा यह है कि वो कुवत का लिबास है। यीशु पहला मददगार है, वो आपको इख्तियार देता है। पाकरू दूसरा मददगार है, वो आपको कुवत देता है। जैसे कहना कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे। अब उस लिबास के लिए हमें जो है ना वो तैयार होना है। और लिबास कैसा है मेरे साथ देखिए, इफ़सियों छठे बाब में सादा लिबास नहीं है, नवा सूट या सलवार कमीज नहीं था सुहा के दे रहा खुदा, खास लिबास आपको देना चाह रहा है। मुसरफ बेटा जब वापस आया था उसको खुदा ने क्या कहा था, इसको लिबास देना, अंगूठी दे दो इसको, जूती इसको दे दो। हालेलुया। छठे बाप की दसवीं लिखा है कि गर्स खुदावन में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत, खुदा के सब हथियार बांधो, ये है कुवत का लिबास। हालेलुया। ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सके। तो खुदा चाहता है कि हम कायम रह सके। खुदा ये नहीं कह रहा कि अबलीस मंसूबे नहीं बांधेगा। अबलीस ने यीशु को भी सताया था, आपको पता है
मेरे साथ आप देख सकते हैं, मैं आपको वाला दिखा सकता हूं, इधर उंगली रखे हैं तो जान नहीं देना इस वाले में। लूका 4 बाब में देखें और उसकी 13वीं आयत। अगर हम कहें कि जी नहीं, यस असी असी इब्लीस नहीं छेड़ते, सानू नहीं छेड़ता, असी आपस से रखी है अंडरस्टैंडिंग, बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि सैतान जो है ना वो बड़ा लेंज है, वो तुम्हारे पीछे प्यारे लिखा है कि चौथे बाब की 13वीं आयत में ये यीशु मसीह को आजमा रहा था जब 3 आजमाइशें की। क्या लिखा है कि जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो आगे क्या लिखा है, कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। कितनी देर के लिए? कुछ अरसा के लिए। अगर आपने डिफीट कर दिया है तो यार मतलब है नहीं कल में फिर नहीं हमला करेगा, वो फिर अटैक करेगा। कितनी देर के लिए जुदा हुआ? कुछ अरसा के लिए। यीशु ने जानने से छड़ा तो असी ने फिर बहुत हल्के फुल्के हैं। वो यीशु के पीछे पड़ा हुआ था, यीशु को आजमाता रहता था। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, वापस जाएंगे सवाल पे, क्योंकि हमें खून और गोश से कुश्ती नहीं करना। मीन्स कि कुश्ती करना है लेकिन अपने भरावान के नाल ना करना शुरू कर, पड़ोसियों नहीं, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया के हाकमों, तारीकी के हाकमों, शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और उसके सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। एंड गोल क्या है कि हमें कायम रहना है, खुदावन चाहता है कि हम कायम रहें। लिखे कि पस सच्चाई से अपनी कमर कस, हालेलुया, सच्चाई से अपनी कमर, वर्ड ऑफ ट्रूथ, हालेलुया, कमर कस के। कमर कसना किसको कहते हैं? हमारी तैयारी, तैयारी। आपको पता है कि जो जब ये जंग पे जाते हैं तो जो ये बेल्ट जो है ना बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि इस बेल्ट के बड़े काम है। और बेल्ट ना पाई हो तो पैंट की होता है, सच्चाई नहीं ना होगी तो नंगापन होगा, एक्सपोज हो जाएंगे। झूठ हमेशा एक्सपोज होता है और खुदा भी करता है झूठ को एक्सपोज। डू यू नो दैट मेनी पीपल लिव द लाइफ ऑफ लाइज एंड देयर आर हिडन लाइज इन आवर लाइव्स, बट गॉड विल एक्सपोज एवरीथिंग, गॉड डज एक्सपोज एवरीथिंग। झूठ का काम जो है वो कभी नहीं रहेगा, झूठ का बाप जो है वो इब्लीस है। लेकिन बाइबल कहती है कि सच्चाई से कमर कस के, कुवत का लिबास है ये, रासबाजी का बख्तर लगाकर अपने सीने बंद के ऊपर रासबाजी का, बिकॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर हियर। आपके जो लंग्स हैं, आपका मैदा है, आपका हार्ट है, वो इधर है। ऐसे गोलीबाजी की बंदा एंज जाता है। आपके दिल के ख्यालात को कौन सी चीज प्रोटेक्ट करेगी? रास्तबाजी का बख्तर बंद, हालेलुया। और रास्तबाजी ये खुदा की तरफ से आती है, ईमान के साथ है, खुदा मन देने वाला है। और पांव में सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते पहनकर, मींस के वी आर ऑलवेज रेडी टू शेयर द गॉस्पल, वी आर ऑलवेज रेडी टू शेयर द टेस्टिमनी, वी आर ऑलवेज रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल इन गॉड्स किंगडम, वी आर ऑलवेज रेडी टू स्टैंड फॉर हिम ऑल द टाइम, वी आर ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही इज आवर सेवियर। और दुनिया को बताएंगे हम कि वो हमारा बादशाह है, हालेलुया। शैतान दे मुंह देते उन्होंने बार बार दसो कि यीशु मेरा खुदा जिंदा खुदा, हालेलुया। बीमारी भागेगी आपसे, शैतान भागेगा। और लिखा कि ईमान की सिपर लगाकर, ढाल हमारे हाथ में है, ईमान की है फेथ। और लिखा कि वो डार्ट्स जो है इब्लीस आपके ऊपर फेंक रहे, शरीर के जलते हुए तीर आपके खिलाफ, रोज ही तीर सड़ रहे ताड़े थे साढ़े थे, मसला एक अधी सी तीर खा के ठिले मटे होके घायल होके बैठ रहते हैं। लेकिन नहीं, रातों को उठना, परेशान होना, दिन में परेशान रहना, सुबह से लेकर शाम तक हमारी हमारी जिंदगी में सोचें, परेशानियां, फिक्रें। क्यों ऐसे है? क्योंकि कलीसिया अपने फुल एक्सटेंट को यूज ही नहीं कर रही, कलीसिया उस भाषा को अप्लाई नहीं कर रही। और निजात का हेलमेट, हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन, हालेलुया, रूह की तलवार। मेरे अजीजो, खुदा ने तो हमें सिर तो पैर तक ही कवर करता है, हालेलुया, हेलमेट भी देता है, सीने ने भी कवर किया है, पेट ने भी कवर किया है, लत्ता ने भी किया है, पैरों ने भी किया है, हर एक चीज को, हाथों में तलवार दे दी है, हालेलुया। ये है वो कुवत का लिबास जो खुदावन चाहता है जो आपके ड्रेस के ऊपर होगा। सो गॉड डजंट वांट यू टू जस्ट बी बैप्टाइज्ड एंड देन वेयर दैट वाइट क्लॉथ, उसके ऊपर खुदा चाहता है कि जरा एक पावरफुल ड्रेसिंग और भी करनी पड़े। एंड दैट पावरफुल ड्रेसिंग इज द होली स्पिरिट, वो आपको रूल कुदस के वसीला से मिलेगी। सो इफ यू आर रेडी then you must ask for it, आपको receive करना होगा। और होली स्पिरिट को रिसीव वो लोग भी नहीं कर पाते जो प्यासे नहीं है। बाइबल कहते हैं कि प्यासे हो तो रिसीव करो, अगर प्यासे हो तो आओ पियो। और लिखा है कि वो दोस्त को गया बंदा, उन्हें जाकर बुआ हड़काना शुरू करता,
वो कहते जी मैं तो रोटी नहीं दे सकता, आधे दिन में रोटी मंगना आ गए, अब तुम सोए हुए सारे, किचन ने भी लॉक किया है। बाइबल ने लिखा कि वो बेहयाई के साथ खटखटाता ही रहा, लिखे कि उसकी बेहयाई के सबब से उसका दोस्त उठ को देगा, उठकर उसको देगा रोटी। तो मेरे जी तो पाखरू जो मंगना है तो बेहया होना पड़ना, बेहया से बड़ा जाए कि जिद्दी, हमें जो है वो हमें पाखरू को अगर रिसीव करना है हमें पीछे पड़ जाना है खुदा के, रोज सुबह उठते बैठते वक्त हमें कहना है खुदा मुझे पाखरू से मामूर कर, मुझे पाखरू से मामूर कर, मैं गैर जुबानों में दुआ करूं, मैं नबूवत की नेमत में चलूं, मैं ईमान की नेमत में चलूं, मैं वर्ड ऑफ नॉलेज रिसीव करूं, आई कैन देन गाइड माय किड्स। पाखरू सिर्फ पादरियों के लिए थोड़ी है कि खादिमों को चाहिए कि वही जो है पाखरू, माओ को चाहिए पाखरू, मदर्स शुड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट सो देन दे कैन गाइड देयर किड्स एंड चिल्ड्रन, सो देन दे कैन इजीली प्रे फॉर देम। बच्चों के ऊपर हाथ रखें, दुआ करें, माएं पाखरू से मामूर हो, बाप पाखरू से मामूर हो, उनको पता हो कि बच्चों के लिए डिसीजंस क्या करने हैं, बच्चे पाखरू से मामूर हो कि अपनी फैमिली के लिए वो खड़े हो, अपने माँ बाप के लिए वो खड़े हो, साथ खड़े होकर खुदावंद के नाम को बादशाही को एस्टेब्लिश करें अपने घर में। हालेलुया, प्रस्तार बने खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले हम बेटे और बेटियां बने। So this is God's mandate for you. He has done it for you. He has given it to you. लेकिन it's available. You just need to unlock it. And unlocking क्या है कि हमने उसको ईमान से मांगना है, तौबा करके बपतिस्मा लेके हमने मांगना है। भेद बड़ा है लेकिन खुदावंद चाहता है कि हमें ये चीज मिले। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। 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 हम अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 There is a, we have to humble ourselves. We cannot come in God's presence without humbling ourselves. These words are not fantasy. Khuda ke khadam, brother Ziyar, main jab hum paakru ki baat karte hain, we are not talking about fantasy. We are not talking about hum koi आउट ऑफ वर्ल्ड बातें नहीं कर रहे। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये सीखने की जरूरत है। हमारी क्लीसिया जो है वो डिफीटेड क्लीसिया नहीं है। वी डोंट इनहेरिट द डिफीटेड माइंड सेट। वी आर अ वॉरियर चर्च, प्रेयर वॉरियर्स। हालेलुया। वी नीड टू बिकम वर्शिप वॉरियर्स, प्रेयर वॉरियर्स। वी नीड टू स्टार्ट वेयरिंग दोज वेपन्स। हमारी क्लीसिया के खिलाफ जब इब्लीस आंखें लगाए तो वो डरे। वो कहे कि ये क्लीसिया जो है इसके खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि when they start praying, hallelujah, something happens in Luton, hallelujah. जब ये लोग दुआ करते हैं तो बदरुए भागते हैं, जब ये लोग दुआ करते हैं तो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, जंजीरें कटनी शुरू हो जाती हैं, इब्लीस की बादशाही पीछे धकेली जाती है। हालेलुया। That is how we see Luton Asian Christian Fellowship, brother Zia aur main. Hum chahte hain ki hum is worship ki place ko hum ek aisi place bana de jisme khuda ka rooh jumbash karta rahe. Hallelujah. Hallelujah. Every time when we come here for worship and praise. कुछ नए मौजूद हो, मुर्दे जिंदे हो, लोग बीमारियों से छुटकारे पाए। पीपल शुड ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल, पीपल शुड ब्रिंग मोर एंड मोर, दूसरे शहरों से लेकर आए इस क्लीसिया में जाएंगे तो लोग बरकत पाएंगे, आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। As a church, let's have this vision. Hallelujah. As a church, let's have this vision. As a church, let's stand up for that. Hallelujah. For the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, brothers, you see. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. What a beautiful, what a wonderful word of God in the name of Lord Jesus Christ. Sana Soho. Aur aaj Khuda ne tujhe aur mujhe ye mauka bakhsh diya taaki tu bhi is paakru se mamoor ho jaye in Jesus name. Hallelujah. Kyunki Khuda unka paak kalam ye hame ye sikhata hai ki jo nimte tere paas hai unse dusron ko bhi bhar de. Yesu Masih Nasri ke naam se. Hallelujah. Aaiye apne kadmon par khade honge aur Khuda ke kalam ke liye Khuda ka shukr ada kare. Apne dil ko khali kare, apne rooh ko khali kare aur keh ke Khuda main tujhe welcome karta hu tere आखरू के लिए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, ओपन योर स्पिरिट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, ताकि खुदा का रूह तेरी रूह के साथ मिलकर इस बात
की गवाही दे कि हम खुदा के बेटे हैं, इन जीसस नेम, ना के बेटे बल्कि उसके हम मिराज़ भी हैं, हालेलुया। और उसके तो हम मिराज़ और उसके बेटे और बेटियां उस वक्त बनता है जब तेरा पा, जब खुदा का रूह तेरे रूह के साथ मिल जाता है और तू नहीं बल्कि खुदा का रूह तेरे लिए गवाही देता है, इन जीसस नेम, कि इस बात की गवाही देता है यू आर हील्ड, इस बात की गवाही देता है कि तू आजाद हो गया है, इस बात की गवाही देता है कि तेरी लड़ाई खून और गोल से नहीं बल्कि उन रूहानी तरीके के नापाक कूतों से जैसे खुदा के पाक वाले मुकद्दस ने हमने ये सुना है उनके खिलाफ है, जो तेरे खिलाफ, जो तेरे बच्चों के खिलाफ, जो तेरी कलीसिया के खिलाफ, जो तेरे चर्च के खिलाफ, जो तेरे आने वाले मुस्तकबिल के खिलाफ हाथ उठाती है। बट द पावर इज इन योर हैंड, यूज द पावर। खुदा के पाक वाले कहता है देखो मैंने तुमको एक ध्यान रखा है कि सांप और बिच्छू को कुछ लो। खुदा ने तेरे लिए कहा, जिस तरह कलाम में वो आता है किस लिए आता है, मारने के लिए, हलाक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, तुमको नाश करने के लिए आता है, लेकिन खुदा का रूह और कलाम ये फरमाता है कि लेकिन मैं इसलिए आया था कि तुम जिंदगी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। कसरत की जिंदगी तेरी है, मायूसी तेरी नहीं, बीमारी तेरी नहीं, शिफा तेरी है, जीसस नेम। क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारी खातिर, हालेलुया, ही पेड द प्राइस टू सेट यू फ्री, ही पेड द प्राइस टू फिल यू विद हिज पावर, विद हिज होली स्पिरिट, एंड होली स्पिरिट इज बिलोंग्स टू यू बिकॉज़ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूं, हालेलुया, खुदा यीशु मसीह ने, किसी और ने नहीं, किसी शिक्षक ने नहीं, किसी पास्टर ने, किसी बिशप ने, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने तेरे लिए दुआ की कि तू बच जाए। यू जस्ट ओपन योर माइंड एंड ओपन योर हार्ट और कह खुदा मैं तेरे उस नेमत को, तेरी उस तोहफे को जिसका तूने मेरे लिए रखा है, मैं आज उसको रिसीव करता हूं। रेज योर हैंड बाय फेथ, रेज योर हैंड बाय फेथ। चाहे कैसे भी तू दुआ करना चाहता है अपने दिल में, अपने मन में, कैसे भी तू दुआ कर, राबूल कारी जोना ताला था, the spirit of God is here, the power of God is here, रामासो क्रांति प्रणोता नशाना ताना पातो क्रांता रिसा। जितने भी तरीके के नपाक कूते तेरे खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे चर्च के खिलाफ, तेरे मुस्तकबिल के खिलाफ, हम मोर रहने के उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से खुजलते हैं। Because the power is with us by the Holy Spirit. Hallelujah. और तेरे पास भी है, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया है, ये नहीं कहा देखो मैंने सिर्फ इनको, तुमको अख्तियार दिया है, the power of God is with you. How you use it when you open your mouth, release the word of God against your problem, against your diseases, against your afflictions, against your all the mountains that are stand against you. उन तमाम पहाड़ों के खिलाफ अपने मुंह से खुदा के कलाम को बयान करना शुरू कर, रामोता लेकाना सा, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उसने कलाम फरमाया ताकि तू रूह कुदस से भर जाए, उसने कलाम फरमाया ताकि तेरी सोच बदल जाए, उसने कलाम फरमाया ताकि तेरी नाउमीदी उम्मीद में तब्दील हो जाए, रामानो लाले का रो रे सने का रो, हालेलुया। इस वर्षप के वसीले से तू आजाद होता है, जीसस ने, इसी तरह आप खड़े रहेंगे, आज तेरे हाथ ऊपर बुलंद रहेंगे, लेकिन तेरी रूह और सच्चाई से तो इसको गाएगा, अम्मा रोहो रमेंद लेके रबोला सीनेता पा, look it is going to be changed, this fellowship is going to be changed by the power of God, by the fire of God, because we come in the name of Lord Jesus Christ, hallelujah, तेरा शुक्र हो, तेरा कोरा रामा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, yes Master, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ये खूबसूरत गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे और हदिया भी इस और start receiving your healing and breakthrough during this song. Hallelujah. इस गीत के दौरान अपनी बरकतों को receive करें। मसा से मुझे भर दे तू, love से मुझे धो दे तू। बस से मुझे भर दे तू, से मुझे मैं तेरी राम से ललता रहूं,
Jesus, thank you. Oh,
I am worker. शुक्र है कुदूस रही बाप तूने हमें अब तक जिंदा सलामत रखा और ऐ प्यारे बाप तूने हमें फिर एक बार मौका दिया कि तेरे पास आ सके और ऐ कुदूस रही बाप हम अपनी सारी दरख्वास्तें मुर्दाते तेरे सामने लाते हैं। ऐ प्यारे आसमानी बाप हम जानते हैं कि तूने हमें जो कुछ हमने मांगा दे दिया, प्यारे बाप तूने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है और तेरे दिए हुए में से तेरे बच्चों ने तेरे काम के लिए जो दिया है उस पर तेरी खास बरकत हो। हमें ये तौफीक दे कि हम इसी तरह से तुझे खुले दिल से दिया करें ताकि खुदा बाप तेरा नाम और तेरा कलाम इसी तरह फैलता रहे। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर क्योंकि हम मानते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होने जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हो जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे जिस हम को माफ करते हैं तू भी हमारे कसम को माफ कर हमें इस आज पर पड़े दे बल्कि बुराई से बचा बादशाहत कुदरत जो हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा हम तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदा हम अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदा हम अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलाम बख्शे। अब हमारे खुदा हम यीशु मसीह का खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की कृपा करता और शायद अब से लेकर अब तक हम सबके साथ हमारी कलीसिया के साथ और तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ। आमीन। आमीन। God bless us so much. Jesus. Pastor, but I'm not.